परलोक में अगर संदेह भी हो फिर भी शास्त्रोचित कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। परम आस्तिक श्री कुमारिल भट्टपाद ने अपने मीमांसा शास्त्र में, मीमांसा श्लोक वार्तिक में एक बड़ा सुंदर वार्तिक लिखा जो आज के तार्किकों के लिए बहुत अच्छा है और समझने के लिए। श्री कुमारिल भट्टपाद ने कहा कि परलोक के विषय में संदेह होता है, क्यों? बोले परलोक किसी ने देखा नहीं है। स्वर्ग का नरक का हम वर्णन सुनते हैं शास्त्रों में, न हमने देखा न आपने देखा। स्वर्ग लोक होता है, नरक लोक होता है, ब्रह्मलोक होता है, ये केवल लिखी पढ़ी बातें हैं, न हमने देखा न आपने देखा। और जो देखा वो आकर के बताया भी नहीं, जो गए वो लौट करके आए नहीं। ऐसी स्थिति में क्या परलोक की सत्ता को माना जाए? तो कहते हैं बात तो सटीक है, तर्कसंगत है, देखा किसी ने नहीं, संदेह है। तो कहते हैं देखो, जो संदेह युक्त वस्तु होती है उसमें दो ऑप्शन होते हैं, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसके दोनों ऑप्शन बने रहते हैं क्योंकि वो संदिग्ध है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो कुमारिल भट्टपाद कहते हैं कि संदिग्धे परलोकेपि कर्तव्य पुण्य संचया। अगर परलोक में तुम्हें संदेह भी हो कि परलोक है कि नहीं, क्योंकि हमने तो देखा ही नहीं, फिर भी परलोक में संदेह होने पर भी कर्तव्य पुण्य संचया, पुण्य का संचय करो, पुण्य कर्म करो, सत्कर्म करो। बोले महाराज अगर परलोक नहीं है तो ये करने का फल क्या होगा? कुछ नहीं, सब बेकार। बोले नहीं, फिर भी लाभ में रहोगे, क्यों? बोले जो वस्तु संदेह से युक्त होती है उसमें दोनों ऑप्शन होते हैं, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। अगर आपने ये मान लिया कि परलोक नहीं है और ये मान करके आपने धर्म का त्याग किया, सत्कर्म का त्याग किया, और मरने के बाद कहीं परलोक सत्य निकला, तब क्या होगा? बोले तब तो दुर्दशा होगी, आप मारे जाएंगे। और अगर परलोक सत्य नहीं है तब भी कोई आपत्ति नहीं, क्यों? बोले आपने परलोक की सत्यता को मान करके पुण्य किया, अच्छे कर्म किए, भले मरने के बाद उसका कोई फल न मिले, लेकिन इस लोक में आपको ये फल जरूर मिलेगा कि आपको लोग धर्मात्मा कहेंगे, आपको लोग सम्मानित करेंगे, आपको लोग सज्जन कहेंगे, आपको धर्म प्राण कहेंगे, इस संसार में आपको यश और कीर्ति की प्राप्ति होगी। परलोक के संदेह होने पर भी धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति लाभ में रहता है। अगर परलोक सत्य है तो उसे वहां फल मिलता है, और परलोक अगर सत्य नहीं है तो संसार में उसे यश और कीर्ति मिलती है, कुछ तो मिलता ही। लेकिन जिसने परलोक को असत्य मान करके धर्म का त्याग कर दिया वो दोनों तरफ से चला जाता है। कुमारिल भट्ट कहते हैं नास्ति चेन नास्तिको हानि, अस्ति चेन नास्तिको हतः। परलोक में संदेह मान करके अगर नास्तिक ने धर्म नहीं किया तो नास्तिक तो दोनों तरफ से मारा जाता है, परलोक अगर सत्य निकला तो उसकी तो दुर्दशा तय है। और अगर परलोक सत्य नहीं है तो इस संसार में तो लोग उसको गाली देंगे ही कि बड़ा पापी है, नालायक है, धर्म अधर्मी है, अधर्म करता है, संसार में उसका अपयश होगा। तो दोनों स्थिति में नास्तिक को नुकसान भोगना पड़ेगा और आस्तिक दोनों स्थिति में लाभ में ही रहता है। इसलिए शास्त्रीय वैदिक व्यवस्था का सदा समादर करते हुए अपनी शक्ति के अनुकूल धर्म का आचरण करते रहना चाहिए। श्रीमद्भागवत महापुराण में श्री कपिल मुनि कहते हैं स्वधर्माचरणम शक्त्याभिधर्माच्च निवर्तनम्, अपने शक्ति के अनुकूल अपने धर्म का पालन करते रहो। विधर्माच्च निवर्तनम्, जो विधर्म है उसका निवर्तन करो, त्याग करो।
अपनी शक्ति के अनुकूल हम धर्म का पालन करते हैं। और भगवान श्री राम का चरित्र इसी आदर्श की स्थापना करता है। भगवान श्री राम के विषय में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि चित्रकूट में श्री भरत जी महाराज जब अपने परिकरों को लेकर के मनाने के लिए गए राम जी को, तो वहां पर सभा हुई, सभी विद्वान बैठे। भरत जी ने अपना निवेदन किया कि प्रभु आप अयोध्या का राज्य स्वीकार करें। राम जी ने कहा पिता के वचन को सत्य करने के लिए हमें वन में रहना चाहिए और भरत तुम्हें अयोध्या में रहना चाहिए। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जिस सत्य के लिए मेरे पिता ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, उन पिता के सत्य की रक्षा करना हमारा और तुम्हारा दायित्व बनता। भरत जी चुप हो गए। वहीं पर सभा में जाबाली नाम के एक महर्षि बैठे थे। महर्षि जाबाली राम जी के दरबार में धर्म का उपदेश करते थे। तो महर्षि जाबाली ने देखा कि राम जी अयोध्या नहीं लौटे, तो राम जी को किसी भी प्रकार हम अयोध्या लौटा करके ले चलें, इस उद्देश्य से जाबाली महर्षि ने कहा राम तुम इतने बुद्धिमान होकर ये लोक परलोक के ऊपर विश्वास करते हो? वाल्मीकि रामायण में जाबाली ने जो कहा है उसको आप सुन लें तो आपको लगेगा कि कोई नास्तिक बोल रहा। जाबाली महर्षि कहते हैं मरने के बाद न लोक होता है न परलोक होता है, किसी ने लोक परलोक नहीं देखा। दो ही पुरुषार्थ है, अर्थ कामो पुरुषार्थो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ नहीं, केवल दो पुरुषार्थ, अर्थ कामो, अर्थ कमाओ और उस अर्थ से अपने कामनाओं की पूर्ति कर लो, यही दो पुरुषार्थ। मरने के बाद लोक परलोक नरक स्वर्ग कुछ नहीं है। क्यों? बोले मरने के बाद कोई अस्तित्व नहीं है, शरीर तक ही सब कुछ है। शरीर खत्म तो सब खत्म, भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये संपूर्ण विषय नास्तिक पक्ष जाबाली महर्षि ने उपस्थित किया, कहा लोक परलोक कुछ नहीं। भगवान श्री राम ने महर्षि जाबाली को कहा मुनिवर आज मुझे अपने पिता के कृत्य पर पश्चाताप हो रहा है। लोगों ने कहा अपने पिता के कृत्य पर राम जी को पश्चाताप? भगवान श्री राम ने कहा कि आज मैं अपने पिता के उस कर्म की निंदा करता हूं। कौन से कर्म की? बोले मेरे पिताजी ने आप जैसे नास्तिक व्यक्ति को अयोध्या के दरबार में सभासद नियुक्त किया। पिताजी ने अगर ऐसा किया तो पिता के उस कर्म की मैं निंदा करता हूं। जाबाली महर्षि की आंखों में आंसू आ गए। धन्य हो राम, तुम साक्षात धर्म हो। वास्तव में भगवान श्री राम साक्षात धर्म की मूर्ति है। रामो विग्रहवान धर्म, धर्म के साक्षात विग्रह हैं भगवान श्री राम। और भगवान श्री राम का चरित्र हमें धर्म की प्रेरणा देता है, हमारे जीवन को दिव्य और मंगलमय बनाता है। भगवान श्री राम की स्तुति करते हुए महर्षि कहते हैं श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना कागति। श्री राम समस्त जगताम शरणम, समस्त जगत के एकमात्र शरण भगवान श्री राम हैं। श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त प्राणियों के ब्रह्मा से लेकर के तृण पर्यंत जितने प्राणी हैं उन प्राणियों के और जितनी जड़ वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के एकमात्र आश्रय रक्षक भगवान श्री रघुनंदन है। श्री राम शरणम समस्त जगताम, संपूर्ण जगत भगवान श्री राम की शरण में जाकर के ही शांति को प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बहुत विषय है, 6 दिन बीत गए, आज तो अंतिम सत्र है। अभी बालकांड की भी कथा मैं पूर्ण नहीं कर पाया और बालकांड तक ही सुनाएंगे क्योंकि आगे अयोध्या कांड में प्रवेश करने का अवसर नहीं है। जब
युद्ध कांड में विभीषण जी की शरणागति का वर्णन होता है, तो विभीषण जी महाराज भगवान की शरण में आते हैं तो विभीषण जी यही कहते हैं कि सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने। लंका से जब विभीषण जी चले अर्धरात्रि में, उत्पपात गदा पाणि चतुर्भिः सह राक्षसैः, चार राक्षसों को लेकर अपने परिकरों को अर्धरात्रि में विभीषण जी महाराज भगवान की शरण में आए। ये वाल्मीकि रामायण दीर्घ शरणागति ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भगवान की शरणागति का विशेष रूप से प्रतिपादन किया गया, प्रारंभ से लेकर अंत तक। सबसे पहले देवताओं की शरणागति है। देवता लोग भगवान की शरण में जाते हैं कि हे प्रभु आप मुझे रावण के आतंक से मुक्त करो, ये देवताओं की शरणागति। इसके बाद देवताओं की शरणागति के बाद राक्षसों से निजात पाने के लिए श्री विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या में भगवान की शरण में आते हैं। इसके बाद भगवान जब मिथिला की यात्रा में चलते हैं तो रास्ते में अहल्या की शरणागति होती है। जनकपुर में जाकर के श्री जानकी जी ने भगवान की शरणागति किया, जो भगवान सकल उर्वासी करिहे मुहि रघुबर की दासी। अयोध्या में आने के पश्चात भगवान श्री रघुनंदन जब वन की यात्रा पर चलने लगे तो श्री लक्ष्मण जी ने भगवान की शरणागति की। चित्रकूट में जाकर के भैया भरत ने शरणागति की। दंडकारण्य के ऋषि मुनियों ने भगवान की शरणागति की। गृद्धराज जटायु ने शरणागति की, सुग्रीव ने शरणागति की, हनुमान जी ने शरणागति की, विभीषण ने शरणागति की। और जितने लोगों ने शरणागति की, किसी के काल का कोई निर्धारण नहीं था कि किस काल में किसको शरणागति करना, जब जिसके मन में आया और वो भगवान की शरण में चला गया। विभीषण जी तो रात्रि के 12 बजे भगवान की शरण में आते हैं। इसीलिए हमारे आचार्यों ने वर्णन किया कि भगवान की शरणागति के लिए किसी काल और मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम की शरण जाय सायित सुदिन न हेरिए। भगवान की शरण में जाने के लिए सायित और सुदिन देखने की जरूरत नहीं होती। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मी पते तेंग्रियुगम स्मरामि। जिस समय हम भगवान की शरणागति करें वही उत्तम काल है, वही उत्तम समय है। क्यों बोले, बाद में समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसलिए भगवान की शरणागति से बढ़कर के पवित्र कार्य कोई है ही नहीं। इसलिए इस कार्य के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं, अच्छे काम को तो तुरंत कर लो। इस घटना पर मुझे एक बात याद आती है। काशी में एक संत थे, कोई व्यक्ति उनके पास गया, बोला महाराज इस बार एकादशी 2 दिन पड़ गई है, कल भी एकादशी है परसों भी, तो कौन सी एकादशी रहे, कल वाली रहे कि परसों वाली रहे? तो महाराज ने कहा कल वाली ही रह लो। बोले क्यों? बोले जो पहले पड़ रही उस एकादशी को कर लो, अगर कल तुम रहोगे तो परसों फिर परसों वाली भी कर लेना, और कहीं परसों के चक्कर में चले गए तब तो कल वाली भी एकादशी नहीं कर पाओ। तो जीवन का ठिकाना नहीं है, तो जो धर्म हो सकता है हम जीवन में कर लें। और भगवान की शरण में जाने के लिए तो न काल का विधान है न मुहूर्त का विधान, जब आप चले जाओ वही सुंदर काल। अर्धरात्रि में विभीषण जी भगवान की शरण में आए और विभीषण जी कहते हैं सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने। जो सर्वलोक शरण्य है भगवान श्री राघव, उनकी मैं शरणागति कर रहा हूं। तो सर्वलोक शरण्य एकमात्र भगवान श्री राम है, संपूर्ण प्राणी उनकी शरण में आ जाए तो शरणागत वत्सल भगवान श्री रघुनंदन उन पर कृपा करते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। हमारा यही तो सनातन धर्म की विशेषता है। अन्य पंथों में बोले अन्य पंथों की तो स्थिति यह है कि आपने थोड़ा विपरीत कर दिया, बोले अब दोजख में जाओगे, अब जहन्नुम में जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहां बोले हमारे यहां तो गोस्वामी जी कहते हैं आपकी अनेक जन्मों की बिगड़ी अभी और तुरंत सुधर जाएगी। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ही राम को राम जप तुलसी तज कुसमाज।
आज ही राम जी के हो जाओ, अनेक जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी। कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान उसे स्वीकार कर ले। कोटि विप्र बदलागे ही जाहू, आए शरण तजो नहीं। ऐसे शरणागत वत्सल भगवान कहते हैं, श्री राम शरणम समस्त जगता, रामम बिना का गति, राम के बिना दूसरी गति भी नहीं, जाओगे कहां। ये बड़ी अद्भुत बात। बोले महाराज हम राम जी की शरण में नहीं जाएंगे तो बोले फिर जाओगे कहां, दूसरी कोई गति भी तो नहीं है। कोई दूसरी गति हो तो बताओ, भगवान को छोड़ करके दूसरी कोई गति नहीं महाराज, एकमात्र गति भगवान है, रामम बिना का गति। और उदाहरण उसका जयंत का चरित्र देख लो। जयंत को भगवान श्री राम ने जब दंड देने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ब्रह्मास्त्र ने जयंत का पीछा किया, जयंत तीनों लोकों में भागा, कहीं उसकी रक्षा नहीं, कहां जाए कहीं उसकी गति नहीं हुई, जहां गया वहीं लोगों ने भगा दिया, सब जगह उसकी दुर्गति हो रही है। अंत में लौट करके जयंत को भी राम जी की शरण में आना पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका, काहू बैठन कहान वोही राख को सकई राम कर। पूरे ब्रह्मांड में कहीं उसकी रक्षा नहीं हुई, अंत में लौट करके जयंत को भगवान की ही शरण में आना पड़ा। इसीलिए महर्षि कहते हैं कि रामम बिना का गति, राम जी के बिना कोई गति भी नहीं, और जन्म से मृत्यु पर्यंत राम जी की ही कृपा से हमारी गति जो कुछ है। देखो घर में बालक पैदा हो तो आज भी राम जी के जन्म के सोहर गाए जाते हैं, रामई जी के जन्म के गीत गाए जाते हैं। ब्याह हो तो ब्याह में राम जी के विवाह के ही गीत गाए जाते हैं, राजा जनक जी प्रसन्न लागे धोतिया मैल हो जाई जी, वाह वाह माताएं गाती हैं। हमारे जीवन में कोई दुख पड़े विपत्ति पड़े तो सहज भाव से राम जी का ही नाम मुख से निकलता है। कोई संकट आ जाए तो व्यक्ति कहता अरे राम रे राम, ऐसा हो गया, और किसी देवता का नाम नहीं निकलता, राम जी का ही नाम। हम पीड़ा में दुखी होते हैं तो राम राम ही करते हैं, अभिवादन में हम किसी का अभिवादन भी करते हैं, प्रणाम करते हैं तो कहते हैं राम राम। और तो और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्णचंद्र भी वृंदावन मथुरा में अपने गोप ग्वाल वालों से मिलते, सखाओं से मिलते तो राम राम ही करते। कन्हैया खेलने के लिए जाए, उधर से श्री दामा आए तो कन्हैया कहते भैया श्री दामा राम राम, तो श्री दामा कहते कन्हैया राम राम। यही अगला और हमारे जीवन का जब अंत होता है तो अंत में भी हम यही कहते हैं राम नाम सत्य है, अंत में भी यही कहते हैं राम नाम सत्य है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत भगवान श्री राम का चरित्र, भगवान श्री राम का आदर्श हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। ऐसे प्रभु श्री राम रामेण रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, ऐसे रघुनंदन के द्वारा ही हमारे जीवन के सारे कलमश सारे पाप दूर होते हैं। रामाय कार्यं नमः, ऐसे प्रभु श्री राम को हम प्रणाम करें, रामाय कार्यं नमः। ये ठाकुर जी बड़े दयालु हैं महाराज, प्रणाम करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं, और देवताओं की तो बड़ी